grade 3. Today we are going to start your lecture number 14. Today's topic is subtraction with regrouping on page number 20. So let's start our topic. So our example is find the difference between 4258 and 2437. हमने इन दोनों के दरमियान में difference find out करना है. तो जो greater वाले greater numbers में से हमने smaller number को minus कर देना है. So इधर देखें, हमारे पास 4 blocks of 1000 है, 2 blocks of 100 है, और यहाँ पे हमारे पास है 5 blocks of 10s and 8 blocks of 1s. So हमने इसमें से 2437 minus करना है. So यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 10s the 1s के हैं, 10s के 100 के, और ये 1000 के. So 8 blocks of 1s में से हमने 7 blocks of 1s minus करने हैं. So यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 8 blocks of 1 में से हमने 7 blocks of 1s minus किया, हमारे पास 1 आ गया. Next देखें, हमने 5 blocks of 10s में से 3 blocks of 10s minus करने हैं. So 1, 2, 3 हमने minus कर दिए, हमारे पास 2 रह गए. Next देखें, हमारे पास 2 blocks of 100 हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 2 blocks of 100 हैं, तो उसमें से हमने 4 blocks of 100 minus करने हैं. So 2 smaller है and 4 is greater. So 2 में से 4 minus नहीं हो सकता, तो हम इसको फिर regroup करेंगे, जैसे कि हमारा topic है regrouping. So हमने इसको regroup करना है, हम 4 में से लेंगे. जब देखें, ये हमारे पास 4 blocks of 1000 है, ये 1 block of 1000 जो है वो अपने ब्लॉक जो है 100 के साथ शेयर करेगा. सो हमें पता है कि 10 ब्लॉक्स जो ऑफ 100 जो है वो 1 ब्लॉक ऑफ 1000 होता है. 1000 जो है 1000 के इक्वल होता है. तो ये जो 1 ब्लॉक है 1000 का, ये यहाँ आके 10 ब्लॉक 100 के बन जाएंगे. सो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यहाँ बना लेते 9 एंड 10. सो ये हमारे पास ये 100 के ब्लॉक्स हैं हमारे पास. सो हमारे पास 1000 का जो ब्लॉक था, उसने अपना ब्लॉक 100 के साथ शेयर किया, तो 1 ब्लॉक 1000 या 1000 के बराबर होता है. तो 1 ब्लॉक 1000 का 10 ब्लॉक्स ऑफ 100, जब 100 के ब्लॉक्स में आया तो वो 10 ब्लॉक बन गए 100 के. सो अब हमारे पास यहाँ पे पहले से 2 ब्लॉक्स थे, सो 10 प्लस 2 12 हो गया. तो हम इसको कट करके यहाँ लिख देंगे 12, 2 हम ऐसे ही लिख देते हैं, और साथ ही जो 1 इधर से आया होता है तो 1 लिख देते हैं साथ. अगर आपने प्लेस टेबल टेबल की बनाया सॉल्व करना है, तो हम 2 इसी तरह लिख देते हैं, और जो 1 यहाँ से लिया होता है 1 लिख देते हैं, तो ये 12 बन जाना है. तो 12 में से अब हमने 4 माइनस करने हैं. सो हम 1, 2, 3 एंड 4 हमने माइनस किया. सो हमारे पास कितने ब्लॉक्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारे पास 8 ब्लॉक्स ऑफ 100 रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं. सो अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास 4 ब्लॉक्स ऑफ 1000 से इसने 1 ब्लॉक अपने 100 के साथ शेयर कर लिया, तो हमारे पास 3 रह गए थे. तो 1, 2, 3, तो हमने पहले इसको 3 लिख दिया. अब 3 में से हमने 2 ब्लॉक्स ऑफ 100 माइनस करने हैं. सो 2 और माइनस कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ 1 रह गया है ये वाला. तो हमारे पास सिर्फ 1 ब्लॉक ऑफ 1000 रह गया. सो हमने इस क्वेश्चन को रीग्रुपिंग के थ्रू सॉल्व किया है. हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4258 एंड 2437. सो हमने इसको माइनस किया, 8 1 से 7 1 इजीली माइनस हो गया, 5 में से भी 3. मसला यहाँ बन रहा है कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स ऑफ 100 थे, 2 जो था हमारे पास स्मॉलर था एंड 4 हमारे पास जो था वो ग्रेटर था. तो हमने इसको रीग्रुप किया, इसने 1000 जो 1000 के ब्लॉक्स था उसमें से 1 ले लिया. तो हमने 1 इस तरह लिख देते हैं, और ये 2 साथ इस तरह इसको लिख देते हैं राइट साइड पे. तो ये हमारे पास 12 बन जाता है, यानी 1 ब्लॉक ऑफ 1000 शेयर किया तो वो 100 के ब्लॉक्स में आके 10 ब्लॉक्स ऑफ 100 बन गए. सो 2 पहले से थे, 10 यहाँ से आकर 10 प्लस 2 12, 12 में से 4 माइनस किया 8, और यहाँ पे 3 रह गया था क्योंकि इसने 8 शेयर कर लिया था, इसके पास फिर अब 3 रह गए. तो 3 में से हमने 2 माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 1 रह गया. सो हमारा आंसर है 1821. टुडेज लेक्चर हैज कम्प्लीटेड. आपका होमवर्क है वर्कबुक पेज नंबर 26. इसमें सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग के क्वेश्चन है, जिसमें से हम इस तरह वो शेयर करते हैं. तो ये वाले क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.